मुझे याद है सन 1980 में जब ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ आया था, बड़े महाराज का पांव का ऑपरेशन हुआ था और दिल्ली के डॉक्टरों ने कहा था बहुत बहुत नाजुक ऑपरेशन हुआ था क्योंकि उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, चूर चूर हो गई थी उनकी हड्डी। मैं 10 साल का बच्चा था और उस समय ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ आया था और उस समय भी डॉक्टरों ने कहा था कि अगर आप इस दौरे पे जाएंगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए तो आपके जो ऑपरेशन हमने किया है उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, अगर पांव खराब हो जाएगा तो पांव को कटना पड़ेगा। और उस समय भी बड़े महाराज ने कहा था बाढ़ आई है कुछ मुझे अपनी जनता से दूर नहीं कर पाएगी। और एम्बेसडर गाड़ी में, उस जमाने में एम्बेसडर गाड़ी होती थी, एम्बेसडर गाड़ी में पीछे के सीट में एक पांव को लेटाकर 400 किलोमीटर का पूरा दौरा किया था बड़े महाराज ने आप लोगों के बीच में ग्वालियर चंबल संभाग की जनता के बीच, गांव के अंदर मंदिर से स्कूल तक सड़क का बहुत बुरा हाल है। मैंने कलेक्टर साहब से और राजस्व मंत्री दोनों से अनुरोध किया है कि जो आकलन किया गया है उस आकलन को धूप निकलने के बाद, आज पहली दिन है जो वर्षा थोड़ी थम गई है, दोबारा निरीक्षण किया जाए, फाइनल एस्टिमेट बने और जल्द से जल्द मेरे परिजनों को जिनकी फसल मैं देख रहा हूं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, ओदा हो सोया हो, उनको मुआवजा राशि मिले। आज कठिनाई का माहौल है, मैं आपके बीच में हूं। मैंने कलेक्टर साहब को भी निर्देश दे दिया है, हमारे प्रभारी मंत्री जी भी यहां हैं, राजस्व मंत्री जी भी यहां हैं, विधायक भी यहां हैं और जल्द से जल्द ये बारिश थम गई है, धूप निकलेगी, आखिरी निरीक्षण होगा और जल्द से जल्द मुआवजा राशि गांव के एक एक किसान को हम लोग दिलवाएंगे। ये विश्वास।